नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज पॉलिटिकल बाइट और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की स्थिति एक छोटे दल के जैसी हो गई है। बीएसपी के हाथी पर दाव लगाने को वाले में अब कोई भी नजर नहीं आ रहा है। कानपुर नगर निगम में 110 वार्ड है। सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि बीएसपी को सभी वार्डों पर प्रत्याशी ढूंढने से भी नहीं मिले। संगठन के हालात देखकर बीएसपी चीफ मायावती ने नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने मुख्य जोन इंचार्ज मुनकाद अली को निकाय चुनाव के बीच में ही हटा दिया। उनके स्थान पर शमसुद्दीन को जिम्मेदारी सौंपी गई है। कानपुर नगर निगम में 110 वार्ड है। बीएसपी ने 110 वार्डों में से मात्र 70 वार्डों में ही प्रत्याशी मिल पाए। यदि निकाय चुनाव 2017 की बात की जाए तो बीएसपी की स्थिति बेहतर थी। मेयर के लिए भी कई नामी चेहरे बीएसपी से टिकट के लिए दावेदारी कर रहे थे, लेकिन बीएसपी चीफ ने अर्चना निषाद को टिकट दी थी, लेकिन अर्चना निषाद चौथे नंबर पर रही थी। इस बार भी बीएसपी ने अर्चना निषाद को मेयर पद का प्रत्याशी बनाया है। उसके पीछे की वजह यह है कि काफी खोजबीन के बाद भी बीएसपी को प्रभावशाली चेहरा नहीं मिल पाया। बिल्हौर नगर पालिका में अध्यक्ष पद के लिए बीएसपी की तरफ से वाले गुप्ता को प्रत्याशी बनाए जाने की बात चल रही थी, लेकिन अंतिम समय तक उनका नामांकन नहीं हो पाया था। यहाँ पर वाले गुप्ता को प्रत्याशी बनाने के लिए पार्टी पदाधिकारियों से जो बातचीत हुई, दावेदारी उसमें खरा नहीं उतर पाया। बीएसपी चीफ मायावती के गुस्से का शिकार जिला के पदाधिकारी भी हो सकते हैं। बीएसपी चीफ मायावती ने निकाय चुनावों के बीच में ही मुख्य जोन इंचार्ज मुनकाल अली को हटा दिया। उन्होंने चुनाव की जिम्मेदारी मुख्य जोन इंचार्ज शमसुद्दीन राइन को सौंपी। कानपुर बीएसपी जिलाध्यक्ष रामेश्वर चौधरी ने बताया कि एक या दो दिन में नए मुख्य जोन इंचार्ज शमसुद्दीन राइन पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। निकाय चुनाव के तुरंत बाद लोकसभा चुनाव लगे हुए हैं। लोकसभा चुनाव में निकाय चुनाव जैसी स्थिति ना हो, इसलिए फेरबदल किया गया है। लोकसभा चुनाव में मजबूत और दमदारी प्रत्याशी की तलाश करनी है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।